हाँ जी दोस्तों, सत श्री अकाल जी, वेलकम मुड़ तो ता सारे का साडे यूट्यूब चैनल पर, जिदा ना तुम सारे पता की है जी, गुर ब्लॉग्स। तो एक बहुत ही सोहनी जगह पर लैके चलना, इतिहासिक जगह पर लैके चलना, पवित्र जगह पर लैके चलना, जिन्हों बयान करना बहुत मुश्किल है। तो हम लैके चलना मैं तुम्हें उत्थे, तो साढ़े हल्का हल्का मीह लग गया बहर। असी जाना जी बस च, इतों लगने घट्टो घट 15 घंटे लगने हैं, मतलब मैं हूँ 5:30 इतों बस निकलनी मुंबई चो, फिर उत्थे पुजनी है कल सवेरे 9 बजे। लो भी दोस्तों, वज गया जी सवेर के 9, तो असी आ गए जी इस टाइम नंदेड़ महाराष्ट्र के, जो कि मेन मुंबई सिटी तो लगभग 710 किलोमीटर दूर सी। 15 घंटे का सफ़र कर लिया आप, अखा खोलिया ही हाले सुते उठे हैं, ब्रश वगैरह करना है, पग पता नहीं किदा की वज गई है, बिना शीशे तो बनी। मैं फोन के बड़ी औखी, बस बहुत हिलती, इधर ला इलाका चेक करो जी। ये है जी गुरुद्वारा साहिब के वल आप जा रहे हैं, पहला आप जावे मेन सचखंड साहिब, फिर उस तो बाद एक हैगा जी नगीना गुरुद्वारा नगीना साहिब, उत्थे भी तुहानू लैके जावे। काफ़ी वधिया बस के लगे ही बैड, पर हिलती बहुत ही, पर सीटा वाली नालों वधिया सी बस, ये ना बह के जाने नाल चंगा लम्बे पै के चल जाए। आ जाओ हुण पुज गए जी, इधर पंजाबी कम्यूनिटी दिखण लग पई सानू, ये हुण आपां गला भी मेरा बह गया काफ़ी। आ देखो हुण रोड शुरू हो गया, तो वो सामने एक सरदार परिवार दीदा होया, आ जाओ हुण लैके चलीए तुहानू, इहदे थोड़ा ही दूर आ। लो जी जिहड़ी चीज़ मैं तुहानू कह रहा लैके जाना, वो ये है जी सचखंड श्री हजूर साहिब तुहानू लैके आया अज मैं, आ जाओ चलिए हूँ उधर। और सामने देख सकते हो जी निशान साहिब, तख्त श्री हजूर साहिब। लो भी दोस्तों, असी आ गए जी गुरुद्वारा साहिब के मोहरे, तो सामने लिखे आ जी तख्त सचखंड श्री हजूर अबचल नगर साहिब नंदेड़। जिमें कि तुहानू सारे नू पता, श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का आखिरी समय इस गुरुद्वारा साहिब इस लोकेशन पर सी, तो इस तो बाद नंदेड़ के जंगलों में चल गए ही, जितों अलोप हो गए ही, किसी नहीं पता कितने चल गए सी। बहुत ही पवित्र स्थान आ, तो सिखा का आखिरी तख्त है जी, ये जिमें हिंदुआ के चार धाम, मुस्लिम के मक्का मदीना, तो सिखा के इवें ही, तो पंज तख्त है, ये पंजा तख्तों में एक तख्त है जी श्री हजूर साहिब। तो आज तुम अंदर दर्शन कराइए, चलिए मत्था टेकन। बाबे ने बड़ी मेहर की है सानू इत्थे बुलाया, तो आज हम तुहाडे मेहर कराइए, दर्शन कराइए, बहुत सुंदर गुरुद्वारा साहिब। महाराष्ट्र दे विच पवित्र स्थान है जी, बहुत दूर है जी ये। बहुत सोहना है जी, तो यह जी इतिहासिक खूह, आ भी इतिहासिक खूह है जी, वह भी इतिहासिक खूह आ, सारे दे दर्शन करते हैं, तो अंदर सचखंड साहिब के मत्था टेक के कितने बैठते हैं, तो कीर्तन शब्द सुनते हैं। लो जी सचखंड साहिब दर्शन करने तो बाद असी जा रहे हैं जी सामने लंगर हॉल वाल, लंगर प्रशादा छकांगे, तो तुहानू दूसरे पवित्र स्थान ते लैके जावांगे गुरुद्वारा नागनी साहिब। तो देखो किन्नी खूबसूरत जगह, तो सुकून आ पूरा, इत्थे स्वर्ग है। अपनी लाइफ दे विच
जरूर 5 तख्त जिहड़े हैगे आ सारयां दे दर्शन करियो। बहुत ही पवित्र स्थान गुरु महाराज दी देन आ, उहनां दे चरण पए आ जी। इत्थे काफ़ी सुकून आ इत्थे। ते लंगर हॉल वल चलदे आ जी तुहानूं लै के, लंगर प्रशादा छकीए। लो भी दोस्तों, सचखंड साहिब तो मत्था टेकन तो बाद असी जा रहे हैं जी गुरुद्वारा नगीना साहिब। नगीना घाट साहिब कहिंदे वैसे उन्होंने, मेरे मुँह च नगीना साहिब निकल गया। उत्थे दा इतिहास जाके पढ़ते हैं की आ। तो हुण असीं आ गए हाँ जी गागर मार्ग, तो अगे नदी आ उधर लैके चलते हैं तुहानू। इधर नगीना घाट गुरुद्वारा साहिब आ, उत्थे भी दर्शन करांगे। सामने गोदावरी नदी है जी, नदी के उधरले पासे हैगा जी गुरुद्वारा नानकसर साहिब, तो आ पिछे गुरुद्वारा नगीना घाट साहिब जी। ये आ जी इतिहास इत्थे दा। ये है जी नगीना घाट साहिब गुरुद्वारा साहिब, तो नाल ही इधर जी गोदावरी नदी। जिमें कि इतिहास पढ़िया होना तुसी, उस लिखा सीगा जी एक सिख ने बाबा जी ने नगीना दिता सीगा, तो बाबा जी ने भगा के मारिया सी इस नदी के विच, ते उहदा हंकार तोड़न लई बाबा जी ने फिर मतलब इदां कुछ लिखिया कि तोड़न लई उहनूं कहा जा अपना नगीना लभ के दिखा। जदों उहने पानी छत्त मारिया नदी च, तां उत्थों जेवरात बड़े महंगे महंगे मिले, तां उत्थों उहदा हंकार टुट गया सीगा कि बाबा जी ने देन की इंद दिन चीज़ों की लड़ नहीं हैगी, उन्होंने ऑलरेडी ये चीज़ा बहुत है। तो बस ये इतने का इतिहास है, इतों उन्होंने तीर मार के तो गुरुद्वारा साहिब प्रगट किए। ये है जी इतने का इतिहास, काफ़ी सोहनी जगह है जी। महाराष्ट्र का सोहना हैगा ये जगह ने, महाराष्ट्र के चार चंद होर लाते है कि होर सोहनी हो गई है हर जगह। जिन्हें अपने आनंदपुर साहिब आ, कोई भी इतिहासिक स्थान है सिखा के नाल गुरुआ के नाल रिलेटिड, उत्थे जिंदा गुरुद्वारा साहिब आ, इत्थे भी उवें ही आ, वह भी इतिहासिक गुरुद्वारे आ। इधरले पासे भी गुरुद्वारा साहिब आ, इतिहासिक किन्ने ही आ, हर जगह उन्हां दा चरण छोह प्राप्त आ हर जगह। तो बहुत वधिया लगा, पानी बहुत ज़्यादा तेज़ सीगा, तो तिलकन बहुत सी, मैं इशनान नहीं कर सकिया, मैनू डर भी बड़ा लग्या। वैसे वह वैसे लोग करते एक अद्धी शरारत करते पानी के, थोड़ा मैं भी पिछे रहा। तो हूँ आप जाना जी नानकसर गुरुद्वारा साहिब। मैंने लगता वह सामने जो निशान साहिब आ उ है गुरुद्वारा साहिब, वह मैप के मैं देखिया इधरले पासे दिखा रहे हैं भाई किन्ने गुरुद्वारा साहिब आ, पता भी नहीं लगता ना। एक वो देखो निशान साहिब झूलता इधरले पासे, तो चलो है कि गुरुद्वारा साहिब आ जाओ तू लैके चलीए उधर आप जिधरों आए। दोस्तों असी आ गए जी नानकसर गुरुद्वारा साहिब रोड से, कोई ऑटो जाता नहीं, स्पेशल जा रहे हैं क्योंकि इधरले पासे है जंगल, तो कहते खतरा। हाँ हाँ ओके ओके, वो नया बना बना अभी, वो नया बना पूरे बना पहले। ओके ओके, इधर सारा जंगल ही है ना, वो सामने पहाड़ है, पहाड़ है। आ लो भी दोस्तों असी आ गए हैं जी गुरुद्वारा नानकसर साहिब, और लिखा जी ऊपर भी देखो जी बाबा बंदा सिंह बहादुर जी बैठे ऊपर, इधरले पासे भी उन्हों का। आज हम तुम अंदर दर्शन कराइए। लो भी दोस्तों लंगर हॉल, तो आ बहुत सोहना उपर खंडा बनाया, तो आज हम तुम अंदर दर्शन कराइए।
कृपा करो, मेरा दुख दूर करो। लो जी करो गुरुद्वारा श्री नानकसर साहिब जी के दर्शन। इत्थे हुणी बाबा जी ने इतिहास दस्सिया इत्थे दा कि इत्थे श्री गुरु नानक देव जी ने बेरी हेठा बैठ के 9 दिन 9 घड़ियां पाठ किया जी, ते भजन किया। ते भाई मरदाना जी ने कहा सीगा वी बाबा जी इत्थे पानी दी घाट बहुत आ, ते उन्होंने कहा जी रबाब बजाओ। ते जदों ही उन्होंने रबाब बजानी शुरू की ते चश्मा प्रगट हो गया ते अज उस स्थान ते आ सरोवर बनिया जी। ते खासियत यह है जी इस सरोवर दे विच पानी कितों भी बाहरों नहीं भरिया जाता, कोई भी पैप टूटी वगैरह नहीं लगी, ये सारा ऑटोमैटिक थल्ले धरती हेठ ही आंदे आ ते इन्नक लैवल ते रह रहा है। ते देख सकते हो यह आ जी वो बेरी साहिब जिथे बाबा जी बैठ के भगती की। उस तो बाद एक कोड़ी आई, उन्होंने कहा बाबा जी मेरा कोड़ दूर करो। तो बाबा जी ने उन्होंने उन्होंने कोड़ दूर किया। तो इसी खुशी में उन्होंने एक होर वार मंगया, बाबा जी जिहड़ा भी दूर हो इत्थे आऊगा अपना दुख दसन आऊगा, तुसीं उन्होंने भी कोड़ दूर करने, दुख दली दूर करने जी। तो करके इस गुरद्वारा साहिब जी का नाम रखा गया गुरद्वारा नानकसर साहिब। आ जाओ हुण तुहानूं थले तप स्थान ते लैके जाने आ जिथे ये बेरी साहिब है जी। आ जाओ ਇਹ ਆ ਜੀ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਤਪ ਸਥਾਨ। ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਨੋਇਜ਼ ਬਹੁਤ ਆ। ਆ ਬੇਰੀ ਦੇ ਨੀਚੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਸਾਹਮਣੇ ਤਸਵੀਰ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਬਿਆਨ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੋਵਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਕੋੜੀ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਬਿਆਨ ਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਇਹ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰੇ ਜੰਗਲੀ ਜੰਗਲ ਆ। ਆ ਜਾਓ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵਾਪਸੀ, ਕਾਫੀ ਥੱਕ ਵੀ ਗਏ ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਰਾਮ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਬੱਸ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ। 3 ਵੱਜ ਗਏ ਅਤੇ 4 ਵੱਜਣੇ ਮੈਨੂੰ ਬੱਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, 5 ਮੈਂ ਵਜਾ ਦੇਣੇ ਆ ਖੁਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਕਾਫੀ ਥੱਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਚਲੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਚੈਨਲ ਕਰ ਲਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਅਤੇ ਇਵੇਂ ਦੇ ਹੋਰ ਦਰਸ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਹੂੰਗਾ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ।